ड्रामेटिक आयरन। मैंने बताया था कि ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, किसी को किसी बच्चे को पता हो व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी। हाँ जी, व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी। मैंने आपको बताया था कि मेन क्या चीज होती है, उसका प्लाट होता है, प्लाट के अंदर एक बिगनिंग होता है, एक एंड होता है। एरिस्टोटल ने इसको एक सेंट्रल पोजिशन का नाम दिया है किसी भी प्लाट का। वो कहता है कि प्लाट करेक्टर याद रहे ना याद रहे, लेकिन प्लाट जो है वो कहता है ऐसा हो कि वो याद रह जाए। मिसाल के तौर पर शेक्सपियर इस तरह का प्लाट लेता था, उसने एक प्ले लिखा किंग लियर। किंग लियर में तीन बेटियां हैं, सुने तो तीन उसकी बेटियां, एक किंग लियर बादशाह। वो अपनी तीन बच्चियों से पूछता है, मुझे ये तो बताओ कि आप मुझसे प्यार कितना करती हो। एक कहती है चांद सूर्य से ज्यादा, एक होती है रैगन, एक होती है गोनरल, गोनरल एक होती है कॉर्डिलिया। अब जो कॉर्डिलिया ना, ये बड़ी साफ होती है देखिए। रैगन से पूछता कितना प्यार करती हो, कहती चांद सूरज समंदर हर चीज से ज्यादा, मैं मेरे लिए सब कुछ आप। वो कहता जी सारा जो है ना वो फ्रांस इंग्लैंड और बहुत सारे कंट्रीज का वो हुक्मरान बनाया हुआ उसने, बहुत बड़ा बादशाह था किंग। वो कहता जाओ फ्रांस का इलाका तुम्हें दिया, इंग्लैंड का फलां इलाका दिया। या रैगन उसे कहती, रैगन से गोनरल से पूछता तुम कितना, कहती चांद सूर्य सितारों से ज्यादा सब कुछ आप। और तीसरी से दो कॉर्डिलिया टेल मी हाउ मच डू लव मी, तुम कितना प्यार करती हो, कहती है मैं बखादर आपसे प्यार तो बहुत करती हूँ, लेकिन जब मेरी शादी हो जाएगी मेरा आधा प्यार तो मेरे हस्बैंड की तरफ चला जाएगा। वो कहता सोच लो, कहती सोच नथिंग, कहता नथिंग विल गेट नथिंग, वो उसे कुछ नहीं देता। और वो दोनों बेटियों के साथ रहना शुरू कर देता, सारी दौलत भी उनको दे देता। कॉर्डिलिया को वो एक गरीब सा कोई ड्यूक होता है उसको दे देता, वो उसे फ्रांस ले जाता। अब ये दोनों जो है उसे घर से निकाल देती हैं और वो आखिर में वो कॉर्डिलिया के पास जाता है। देखिए ये प्लाट कैसा है कि इसको मुझे इतना, मुझे ना भी अगर करेक्टर ना भी याद रहते तो मैं ये कह सकता था उसकी तीन बेटियां थी, एक ने बहुत ज़्यादा सिंसियर थी, दो जो सिंसियर नहीं थी वो उन्होंने उसको लूट लिया, तो मैं बगैर करेक्टर के भी स्टोरी सुना सकता हूँ। प्लाट ऐसा हो, प्लाट होता है बेसिकली स्टोरी। क्या होती है? स्टोरी। और ये जो हमारा प्लाट है, स्टोरी के पीछे क्या चल रही है? ड्रामेटिक आयरनी। क्या चल रही है बच्चों इसके पीछे? ड्रामेटिक आयरनी। और ड्रामेटिक आयरनी